के दूसरे फेज में राहुल गांधी ने पानीपत के हुड्डा ग्राउंड से रैली की। इसमें राहुल गांधी ने कहा कि कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुए 112 दिन हो चुके हैं और आज हम पानीपत के ऐतिहासिक जगह पर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि 2019 में एक योजना लाना चाहते थे, हर गरीब व्यक्ति के खाते में 72,000 रुपए दिए जाएंगे या पैसा हर गरीब मजदूर और किसान को दिया जाएगा। अगर हमारी सरकार आई तो ये योजना जरूर शुरू करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी ने जनसभा में देश का आधा धन महज कुछ हाथों में होने के अलावा मीडिया पर भी लगाम बंधी होने की बात कही। राहुल ने कहा कि यात्रा का पहला लक्ष्य एक हिंदुस्तानी को दूसरे से जोड़ने का है, दूसरा लक्ष्य देश में बेरोजगारी फैलने से रोकने का है, आखिरी तीसरी बात महंगाई है जो सबको चुभती है। पहले 400 रुपए का सिलेंडर होता था, अब 1,000 का मिलता है, वहीं 60 रुपए पेट्रोल और अब 100 का हो गया है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया पर भी लगाम लगा रखी है, कुछ इसी तरह जैसे सिर्फ घोड़े की लगाम लगाओगे वो उसी तरफ जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि घोड़े पर पीएम मोदी की फोटो जरूर दिखेगी। वहीं राहुल गांधी ने इसके साथ ही कहा कि इस यात्रा में नफरत के बाजार में मैं अकेला नहीं बल्कि करोड़ों लोग प्यार की दुकान खोल रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पहले 80,000 युवा सेना में भर्ती होते थे, अग्निवीर योजना में कहा कि 80 नहीं सिर्फ 40,000 ही लेंगे। वहीं 15 साल की सर्विस की बात तो भूल जाओ, 4 साल बाद 75% को वापस भेज दिया जाएगा, सिर्फ 25% को ही रखा जाएगा। सैनिक को तैयार करने के 15 साल की जगह सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, वहीं पेंशन नहीं मिलेगी। जब मैं यह बात उठाता हूँ तो कहा जाता है कि सेना के खिलाफ मैं बोल रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।